हिम्मत कैसे हुई वो सब करने की? हिम्मत? नुकसान मेरा हुआ है। आप जानते भी हो कि आपकी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ? कोई भी काम करने से पहले एक बार सोच लिया करो कि सामने वाले इंसान पे क्या गुजर सकता है, खास करके एक लड़की पे। ये बात है तो मेरे हर काम में टांग अड़ाना बंद करो। एक तो मेरी गाड़ी का नुकसान कर दिया, तुम्हारा मुझसे पैसे निकलवाने का प्लान लगता है। हर चीज पैसों में नहीं तोली जाती, और आपके पैसे लेने का हमें कोई शौक नहीं है। तुम्हारा लखनऊ से ये दिल्ली आकर सीधा मुझसे टकराना, इसके पीछे कोई चाल तो होगी। तुम जैसी लड़कियों को खूब जानता हूँ मैं। आपको सिर्फ अपनी गाड़ी और अपने पैसों के नुकसान की पड़ी। आप जानते भी हो कि आपकी वजह से हमारे परिवार को कितना कुछ नुकसान सहना पड़ा। ठीक है, हम मानते कि हमसे गलती हो, क्योंकि हम आप जैसे नहीं जो गलती करके उसे मुंह मोड़ लेते। और एक बात, हम आपके नुकसान के सारे पैसे चुका देंगे, लेकिन जो नुकसान आपने हमारा किया ना, उसकी भरपाई आप जिंदगी भर नहीं कर पाओगे। इस गाड़ी की कीमत पता होती ना, तो अपना ये दो गाड़ी का स्कूटर इससे टकराने की हिम्मत भी नहीं करती। क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी की कीमत भी लगाई ना, तो भी पूरी नहीं पड़ेगी। फिर पैसा? ठीक, खुददारी से जीते हम लोग, हमसे गलती भी होती ना तो किसी का एहसान नहीं लेते। बता दीजिए इस नुकसान के कितने पैसे पड़े, हम सारे चुका देंगे। 25,000। क्या हुआ? इतने पैसे भी नहीं है तुम्हारे पास और अर्नव सिंह रायजादा से जुबान लड़ाने की हिम्मत कर रही हो? तुम क्या मुझे पैसे दोगे? अपने स्कूटर का शीशा ठीक करा लेना, और अगर कुछ पैसे बच जाए तो उससे लखनऊ का टिकट कटवा लेना। एक मिनट, अगर आपको सिर्फ नोटों की भाषा समझ आती है तो वही सही। हम आपसे वादा करते हैं, आपके इस नुकसान के पूरे पैसे चुका देंगे। खुदारी की बातें हमेशा बहुत सस्ती होती हैं और पैसा बहुत महंगा। तुम भी यही हो और मैं भी। We'll see. खुदारी की बातें हमेशा बहुत सस्ती होती हैं और पैसा बहुत महंगा। तुम क्या मुझे पैसे दोगी? हम आपसे वादा करते हैं, आपके इस नुकसान के पूरे पैसे चुका देंगे। कहां से लाऊंगी 25,000 रुपए? कैसे पूरा करूंगी ये नुकसान? एक तो नया शहर और ऊपर से नहीं, उसके पैसे तो मैं वापस करके रहूंगी। पैसों की इतनी अकड़ है कि खुद को भगवान समझने लग गया। आखिर वो है कौन? शीशा तोड़ दिया। ए, हटना है। जा रहे, हम यहाँ घर बसाने नहीं आए। मन तो कर रहा है उसके मुंह पे 25,000 रुपए फेंक कर आ जाओ, और ये 1,000 रुपए सूट समेत। क्यों देवी मैया, इस करोड़ों की भीड़ में सिर्फ वही मिला था हमसे टकराने के लिए? जो मिल गया ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, दो चार सबक तो सिखा कर रहूंगी उस लॉर्ड गवर्नर को। रुकिए रुकिए, दिखाइए कपूर फूल रोली अगरबत्ती। हाँ ठीक। अरे एक ही प्रसाद, हमने कहा था ना हमें दूसरा प्रसाद भी चाहिए। जाके देखिए ना क्या हुआ है। एक मिनट, दो तीन चार, ये तो चार ही फल है। हमें पूजा के लिए 5 फल चाहिए, आप 5वें का इंतजाम कीजिए ना। हाँ दी। अर्णव, पूजा शुरू होने वाली है, तुम कहाँ हो? दी मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, कहीं अटक गया था। सब ठीक तो है ना? हाँ अब ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। थोड़ा जल्दी आ जाना, तुम नानी को जानते हो ना, अगर पूजा के समय उन्हें पूरा परिवार उनके सामने ना दिखाई दिया ना, तो भगवान जी की जगह उनकी पूजा करनी पड़ जाएगी। जल्दी आ जाना। हाँ दी आ रहा हूँ। ओके। मामी कहाँ है?
आज भी वैजयंती माला से कम नहीं लागत है। किसी की नजर न लगे मुंह के टुकड़ा को। वैजयंती माला का तो पता नहीं, पर कम कहीं से नहीं लग रही हो। अरे नॉर्मल पूजा है, तुम इन गहनन के पीछे पड़ी हो। इतने गहने तो देवी मैया पे भी ना चढ़े। आप तो अपना मुंह सेटअप ही कर लो। पूजा छोटी हो या बड़ी, ब्यूटीफुल तो लाके की पड़ी। ही लो, और इतना तो टिप टॉप लग रही हो। अब आओ का करे हो, बस काय काय करते रहो कौवा के जैसन। हेलो हाय बाय बाय। अरे अच्छा तो पूजा का लड्डू भी लागत है, देखे नहीं होगा टीवी में। इतनी मुश्किल से तो औदा बनाए, उसको ऐसे ही जाने दे। दीनु शशि मालती। कहाँ रफु चक्कर हो गए सबके सब? अरे पाताल में छुपे बैठे हो का? वो पर ढूंढ के नहीं ला सकते तुम लोग? पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। नानी सब ठीक तो है? संभल के धीरे चलिए, कौनो जल्दी नहीं। जी नानी। छोटू आ गए बिटिया? बस नानी आता ही होगा, मामी आ रही है। अब चलें, अम्मा बुलाए रही हैं। आप चलिए, मेकअप अभी थोड़ा बाकी है, हम आवत है थोड़ी देर। अम्मा ना हुई गई, माता रानी हुई गई। चलो बुलावा आया है। हेलो हाय बाय बाय। नानी आप कुछ ढूंढ रही हैं? लक्ष्मी के ढूंढत रहे, पता नहीं कहाँ चली गई। पाए लगी अम्मा। जीते रहे। मनोरमा बोला थे वो आ जाई हैं थोड़ी देर में, तब तक हम लोग पूजा शुरू कर सकते हैं। हम ओखी नहीं, बच्चों की राह देखते हैं। ये पंडित जी को दे देना और वो अंजलि दी को देना। चलो भाई, ये डेंट कैसे आया? तुम तो नॉर्मली बहुत सेफ गाड़ी चलाते हो। मेरे सेफ चलाने से क्या होता है, बाकी लोग तो अपने बाप की सड़क समझ के चलाते हैं ना। गाड़ी का नंबर नोट किया, एक कॉल करते हैं और एक्शन हो जाएगा उसके अगेंस्ट। उसकी कोई जरूरत नहीं है, उस दिन की तरह उस लड़की की सही जगह दिखा दी मैंने। उस दिन चले, we're getting late. दी से इस बारे में कुछ मत कहना। क्या उस दिन वाली लड़की है कौन, जिसने गाड़ी से ज्यादा अर्णव सिंह रायजादा के दिमाग पे डेंट कर दिया? पता नहीं कहां गई है महारानी। नंद किशोर ये देखो, आए देर नहीं भाई, किस निकल गई फौरन सैर सपाटा पे। आओ तुम अंदर, आज तुम्हें अच्छे से चखाते हैं मजा। ए पहलिया चल, पूजा का टाइम हो गया है, कपड़ा अपना ना डाल, बारिश का टाइम हो ही रहा है, चल आ जा। और मंजीत है ओ यार, उस स्पार्क प्लग ठीक कर। ओ कुड़िये, ओ जल्दी अंदर जा, वहां आग लगी हुई है। बस यही है खराबी है तोड़ी बुआ में, गुस्सा बड़ा जल्दी आंदा है। प्रेशर कुकर की तरह है ना बुआ जी, एक बार सीटी बच जाए ना बिल्कुल ठंडी हो जाए। आपके स्कूटर का शीशा तोड़ दिया। माफ कीजिए अंकल जी। परवाह नहीं जी, अरे नया लगवा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हा? पर अगर कान फट गए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अरे छेती कर जा भाई जा। इस प्यार को क्या ना?